कैसे दोस्तों, मैं विशाल सिंह, गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी से आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और इसी शुभकामना के साथ में आज हमारे टॉपिक का शुरुआत करते हैं। बहुत पावरफुल टॉपिक है और आज का टॉपिक हमारा जो है हाउ टू डिलाइट योर कस्टमर। जी हाँ, अपने कस्टमर को डिलाइट कैसे करें। जरा सोचिए, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, आपके कस्टमर यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आपके कस्टमर आपके खुश नहीं है, आपके सर्विस से खुश नहीं है, आपके वहां से अच्छी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो आपके में दोबारा आएंगे? जी नहीं आएंगे। तो आपकी प्रोडक्ट जितनी अच्छी होनी जरूरी है, उतनी ही आपकी सर्विस अच्छी होनी जरूरी है, जिससे आपका कस्टमर आपसे खुश हो और आपके वहां पर रिपीट आए। तो आज हम इसी को लेकर बात करेंगे कि आज कस्टमर को खुश करने के लिए हमें क्या चीजें करने की जरूरत है, जिससे हमारा ग्राहक हमारे साथ ना कि लंबे टाइम तक जुड़े रहे, बल्कि हमारे वहां अपने और भी दोस्तों को और भी कस्टमर को लेकर आए। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है कि हाउ टू डिलाइट योर कस्टमर। जी हाँ, अपने कस्टमर को खुश कैसे करें, इसके बारे में। तो चलिए हम ये शुरू करते हैं कि अपने कस्टमर को खुश करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज, आप एक डेटा देख लीजिए, और ये डेटा कहता है कि हमारा कस्टमर हमें छोड़कर जाता, उसकी सबसे बड़ी वजह कोई होती है तो पुअर सर्विस होती है, मतलब हमारी खराब सर्विसेज। तो हमारी खराब सर्विसिंग के कारण आप देखें तो 69 मतलब कि 70% ग्राहक छोड़कर जाते हैं हमारी खराब सर्विसेज के लिए। तो आपको ध्यान देना है कि आपके वहां पर आपके कस्टमर को खुश करने के लिए, लंबे टाइम तक जुड़े रखने के लिए, आपको अपने सर्विस के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है आपके कस्टमर को डिलाइट करने के लिए। तो आज देखिए कि आपके यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आपके कस्टमर को पसंद नहीं आती है। तो आपके वहां पर आपके अगर पार्किंग का चैलेंज है, पार्किंग करने की सुविधा नहीं है, आपके कस्टमर को पसंद नहीं आती। अगर आपके वहां पर नेगेटिव एटमोस्फियर है, वातावरण अगर नेगेटिव है, तो आपके कस्टमर को पसंद नहीं आता। अगर आपके वहां पर अनप्रोफेशनल अनट्रेंड स्टाफ है, तो आपके कस्टमर को पसंद नहीं आता है। आपके वहां पर आउट ऑफ स्टॉक है, अगर आपका कस्टमर लेने आया, कोई प्रोडक्ट खत्म हो गई, तो आपके कस्टमर को पसंद नहीं आता है। आपके वहां पर अगर कोई हिडन कॉस्ट है, कि माने कि कोई ऐसी चीज है तो पहले बताई नहीं जाती है लेकिन बाद में वो पीछे से आती है, तो आपके कस्टमर को पसंद नहीं आती है। आपके वहां पर अगर रिटेल काउंटर है और लंबी लाइन लगती है आपके वहां पर बिलिंग की, तो आपके कस्टमर को पसंद नहीं है। इरिटेटिंग सिक्योरिटी, मतलब आपका सिक्योरिटी गार्ड अगर सही तरीके से बात नहीं करता, सही तरीके से पेश नहीं आता है, तो आपके कस्टमर को पसंद नहीं आता है। आपके यहाँ पर अगर रिटर्न या एक्सचेंज पॉलिसी नहीं है, तो आपके कस्टमर को पसंद नहीं आता है। और अगर आप रेगुलर व्हाट्सएप या मैसेज भेजे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी आपके कस्टमर को आज पसंद नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट लास्ट, अगर पुराने कस्टमर को, नए कस्टमर को इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है, क्योंकि पुराना कस्टमर चाहता है मैं आपके साथ लंबे समय से जुड़ा हूँ, तो आप मेरी खास ध्यान रखो। अगर ऐसा उसको महसूस होता है कि मेरे में और दूसरों में फर्क नहीं है, तो ये चीज को पसंद नहीं आती है। और ये सारे कारण है आपका कस्टमर आपको छोड़ने का निर्णय लेता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें से कोई भी कारण अगर आपके यहाँ पर है जो आप निकाल सकते हैं और जिससे आपके कस्टमर को आप रोक सकते हैं, तो प्लीज आज से वो चीजें इंप्लीमेंट कीजिए। क्योंकि अगर इसमें से कोई भी चीज को अगर आप निकाल देते हैं या सॉल्व कर देते हैं, अगर तो आपका एक बहुत बड़ा मात्रा में कस्टमर आपके रुकेंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके कस्टमर को पसंद नहीं है। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि कस्टमर जब आपके वहां पे आता है, तो कस्टमर की तीन चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, उसके नीड, वांट एंड डिजायर। जी हाँ, आपके कस्टमर की नीड, वांट एंड डिजायर को समझने की कोशिश की है। नीड मतलब क्या है? नीड मतलब वो है कि जो आपका कस्टमर आ रहा है, आपने जितने पैसे दे रहा है, उसके सामने पैसे के वर्थ वाइल वैल्यू की उसको चीज मिलनी चाहिए, ये उसकी बेसिक नीड है। कम से कम इतना तो चाहिए, तो आपको समझना पड़ेगा ये कस्टमर की नीड। दूसरा वांट, थोड़ा सा कस्टमर की अंदर से कहीं ना कहीं चाहत होती है कि भाई मुझे थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा मिले, थोड़ा सा मुझे प्राइस के हिसाब से वैल्यू ज्यादा मिले, तो उसकी ये वॉन्ट्स होती है। एंड थर्ड डिजायर, मतलब कि ऐसी कोई चीज जो मेरे एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड है, मतलब कि कुछ समथिंग सरप्राइज हो मेरे लिए, जिससे मेरे जुबान से वाव वाली फीलिंग है, तो ये उसकी डिजायर होती है। तो आप समझिए कि आपके वहां पे क्या डिजायर वाला या वॉन्ट्स वाला माहौल आप खड़ा कर सकते हैं, इससे आपका कस्टमर डेफिनेटली बहुत डिलाइट होगा और आपके यहाँ पर लंबे समय तक रहेगा। तो चलिए हम डिस्कशन आगे करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है कि 10 ऐसे स्ट्रेटजीज मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपके कस्टमर को आप डिलाइट कर सकते हैं और आपका कस्टमर लंबे समय तक आपके साथ जुड़ा रहेगा, और ना कि जुड़ा रहेगा, अपने
खुद के लोगों को भी आपके वहां भेजेगा अगर ये 10 में से आप बहुत सारी चीजों को अपने वहां पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो कौन कौन सी ये 10 चीजें, चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज है वाव वेलकम। जी हाँ, कस्टमर चाहता है कि मैं आपके वहां पर आ रहा हूं तो मेरी वेलकम एक अच्छे तरीके से आप कीजिए। अगर इम्प्रेशन पहला आपके कस्टमर आपके लिए अच्छा पड़ता है तो आपका कस्टमर आपके साथ लंबे समय तक जुड़ना पसंद करता है, क्योंकि सबसे पहली इम्प्रेशन ही आपकी आखिरी इम्प्रेशन बनती है, ये हर जगह कहा जाता है। तो आपको खास ध्यान रखना है कि जब आपके यहाँ कस्टमर आ रहा है तो आप ध्यान दीजिए कि आपके कस्टमर को एक बढ़िया सा वेलकम करिए, जिससे आपके कस्टमर के जुबान से वाव वाली फीलिंग आए। तो पहली चीज है वाव वेलकम के लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी चीज है कि आप उनको बेसिक एमिनिटीज जरूर ऑफर कीजिए। जी हाँ, आप देखिए कस्टमर खरीदे ना खरीदे कोई मैटर नहीं करता, आज जो नहीं खरीद रहा है कल वो खरीदेगा अगर आपने सेम उसको सर्विस दी है वैसे ही जैसे लोग खरीदने आते हैं। तो आपको बेसिक एमिनिटीज जरूर पूछना है, चाय कॉफी जो भी आप कर सकते हैं बेसिक एमिनिटीज पूछिए, क्योंकि कस्टमर को कौन सी आपकी चीज अच्छी लग जाए किसी को नहीं पता है। तो आपको बेसिक एमिनिटीज जरूर ऑफर करनी चाहिए। तीसरी चीज है आपके कस्टमर को सुनिए। जी हाँ, मैं एक दुकान के अंदर खरीदी करने गया था, मैंने बोला मुझे जींस दिखाओ, तो उन्होंने पूरा थप्पा भरा और जींस लाके रख दिया। मैंने बोला बच्चों का चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, उसने मेरी बातों को सुना ही नहीं अच्छे से कि किसके लिए जींस चाहिए। तो कई बार हमसे ये गलतियां होती है, इससे हमारा ग्राहक नाराज होता है। तो आप अपने कस्टमर को सुनिए, क्योंकि सुनना इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज है अपने कस्टमर को बांधे रखने के लिए। तो जहां हम एक चीज देने की, हमें जो सुनता है ना हम उसके साथ ज्यादा जुड़े रहना पसंद करते हैं, तो आपका कस्टमर भी आपसे जुड़ना पसंद करेगा अगर आप उसको सुनते हैं। तो चौथी चीज है ऑफर व्हाट दे नीड। जी हाँ, जब भी आपके कस्टमर आपके वहां पर आते हैं तो आप वो मत बिचिए जो आपको पसंद है, वो मत आप उनको बताइए, जो चीज आपको अच्छी लगती है आप वो बताइए जो आपका कस्टमर आपसे मांग रहा है, जो कस्टमर की इच्छा है, जो कस्टमर चाहता है वो बताइए। क्योंकि जब हम अपनी चीजें बताना शुरू करते हैं तो कस्टमर वहां पर रिजेक्ट करता है, और जब कस्टमर ये चाहता है, कस्टमर को वो बताया जाता है जो उसको चाहिए, तो वो एक्सेप्ट करता है। तो आप उनको वो ऑफर कीजिए जो उनकी चाहत है, ना कि वो जो आप बेचना चाहते हैं। पांचवी चीज है नेवर आर्ग्यू विथ योर कस्टमर। डेफिनेटली सर, ये चीज ध्यान रखना है कि आपके ग्राहक के साथ में कभी भी आर्ग्यू मत कीजिए, क्योंकि आर्ग्यू में आप जीत सकते हैं लेकिन आपके कस्टमर को आप जिंदगी भर के लिए खो देंगे। तो आप आर्ग्यू मत कीजिए उनको, आप एक विन विन सिचुएशन के ऊपर लेकर आइए कि जहां पर उनका भी नुकसान ना हो आपका भी नुकसान ना हो, लेकिन आर्ग्यू मत कीजिए, जितना हो सके आर्ग्यू अवॉइड कीजिए। और अपनी पूरी टीम को ये सिखाइए कि ग्राहक के साथ में किसी तरह के बहसबाजी नहीं करनी है। कस्टमर इज ऑलवेज राइट बिकॉज ही हैज मनी, उसके पास पैसा है तो वो ऑलवेज राइट है, और वो पैसा कहीं और पर खर्चा करके आपका नुकसान कर सकता है। तो नेवर आर्ग्यू विथ योर कस्टमर। छठवी चीज है प्राइस वर्सेस वैल्यू। जी हाँ, बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि कस्टमर अगर आपके वहां पर आ रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं जो पे कर रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे वैल्यू थोड़ी ज्यादा मिलनी चाहिए। अगर उसको वैल्यू थोड़ी ज्यादा मिल रही है तो डेफिनेटली आपके साथ वो डिलाइट भी होगा, लॉयल भी होगा। वैल्यू में क्या है, माने कि उसने एक सर्टेन अमाउंट की परचेसिंग की, तो आप क्या उसको फ्री डिलीवरी ऑफर कर सकते हैं, क्या आप उसको कुछ एडिशनल बेनिफिट दे सकते हैं, ये उसको वैल्यू एडिशन लगता है, और इससे आपके कस्टमर आपके वहां पर डिलाइट होता है और आपका कस्टमर आपके लिए लॉयल भी बनता है। तो आप खास ध्यान रखना कि आपको कस्टमर को वैल्यू ज्यादा डिलीवर करनी है जितना उसने पैसा पे किया है उसके सामने। सातवीं चीज है नो योर कस्टमर चैलेंजेस। जी हाँ, जब भी आपका कस्टमर आपके वहां तक आता है तो उसको बहुत सारी तकलीफ होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। देखिए, समझिए कहाँ कहाँ तकलीफ आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर को मुझ तक पहुंचने में तकलीफ आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कस्टमर को मेरे से मिलने में कहीं तकलीफ आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर को मेरी प्रोडक्ट या सर्विस को लेके कहीं पर तकलीफ। उसके चैलेंज को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप चैलेंज नहीं जानेंगे तो एक डेटा के हिसाब से 96% कस्टमर आपको बिना बोले आपको छोड़कर चले जाते हैं। 96% कस्टमर बिना बोले आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो आप अगर उनमें से लोगों के चैलेंजेस को जान लेंगे, तकलीफों को समझ लेंगे, तो डेफिनेटली उनके लिए आप कुछ कर पाएंगे और उनको आप रोक पाएंगे। तो आप खास ध्यान रखना कि आप उनके चैलेंजेस को आप समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में है आठवीं चीज है रिस्पॉन्ड क्विकली। जी हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कस्टमर को रिस्पॉन्ड कीजिए जितना जल्दी हो सकता है। एक सर्वे के हिसाब से आपके कस्टमर का अगर फोन आता है आपके वहां पर, तो 3 रिंग में आपको फोन उठा लेना है, ऐसी आपको अपनी टीम में ट्रेनिंग
करनी चाहिए। जी हाँ, 3 रिंग से ज्यादा अगर आपके वहां बचता है तो आपका कस्टमर आपको लेकर बहुत नेगेटिव होता है, बहुत सारी चीजें सोचता है। तो आप अपने वहां पे सर्विस पॉलिसीज बनाइए कि 3 रिंग से पहले हम अपने कस्टमर का फोन उठा लेंगे और 6 सेकंड के अंदर हमारे कस्टमर को हम रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर हमारे वहां पर कस्टमर आ रहा है फिजिकली तो विद इन 6 सेकंड हम हमारे कस्टमर को रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करने का और डिलाइट करने का, क्योंकि आपका कस्टमर आज ज्यादा समय तक आपका वेट नहीं कर सकता है। 9वीं चीज है, ट्रेन योर टीम। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी चीज बता रहा हूँ। आप अगर अच्छे हैं, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, तो इससे आपका कस्टमर खुश नहीं होगा। आपकी टीम में हर एक बंदा अच्छा होना चाहिए। हर एक बंदे अच्छे होने के लिए आपकी टीम को, टीम की ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। कस्टमर को कैसे बिहेव करना है, कस्टमर से कैसे ग्रीट करना है, कस्टमर से कैसे बोलना है, कस्टमर को कैसे प्रेजेंट करना है, कस्टमर को कैसे थैंक यू बोलना है, कैसे कपड़े पहने, ये सारी चीजें आपकी टीम को आपको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें बहुत मैटर करती है। आप अच्छे हैं तो इससे मतलब नहीं है, आपके हर एक चीज अच्छी होनी चाहिए, तब आपका कस्टमर आपके साथ लॉयल भी रहेगा और आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा हुआ रहेगा। तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है, आपकी टीम की ट्रेनिंग करवाइए हर चीज को लेके। इसमें बिहेवियर भी आ गया, एटीट्यूड का भी आ गया, इसके अंदर प्रेजेंटेशन का भी आ गया, प्रोडक्ट का भी आ गया, सारी चीजों की ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिससे आपका कस्टमर डिलाइट महसूस करेगा। एंड 10वीं चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, से सॉरी। अगर कहीं पर आपसे गलती हो जा रही है, आपकी टीम से गलती हो जा रही है, या कहीं पर भी कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है, तो आप सामने वाले बंदे को गलत ठहराने की कोशिश मत कीजिए, सीधा सॉरी बोलकर उनसे माफी मांग लीजिए। क्योंकि सॉरी एक ऐसा वर्ड है जो दुनिया में सामने वाले बंदे के हर गुस्से को समाप्त कर देता है। तो से सॉरी, और आपका कस्टमर इससे सेटिस्फाइड हो जाता है, उसका ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है और आपको छोड़कर नहीं जाता, आपको एक और मौका देता है। लेकिन अगर आपने सॉरी नहीं बोला, आपको दोबारा मौका नहीं देगा। तो ये 10 चीजें मैंने आपको बताई कि जिससे आपके कस्टमर को आप डिलाइट कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि ये 10 में से कोई भी चीज आप पकड़ लीजिए, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप अपने कस्टमर को डिलाइट करने के लिए सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ बेहतरीन आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि आपका कस्टमर आएगा, आपने कुछ भी उनको बोल दिया, कुछ भी ऑफर कर दिया और आपका कस्टमर आपसे ले लेगा, आपको कहीं ना कहीं वो लाइफ टाइम तक जुड़ा रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके कस्टमर को सर्विस देने के लिए आपको बढ़िया से प्लानिंग करनी पड़ेगी और अच्छे से उनको सर्विस देकर आपको उनको डिलाइट करना। तो ये सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे और डेफिनेटली इससे आपके कस्टमर लॉयल होंगे, डिलाइट होंगे और आपके वहां पर लाइफ टाइम तक जुड़ने के लिए आपके साथ में बंधे रहेंगे। सो इसी के साथ में आज का हम ये सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड आप लोग इसको अप्लाई करके आप कमेंट में जरूर बताना कि इसमें कौन कौन सी चीजें आपके लिए फायदेकारक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।